मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। आपको मालूम है पिछले रुकू में अल्लाह ने असहाबे कहफ का वाकया सुनाया कि जिन्होंने अल्लाह की खातिर कुर्बानी दी और अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल किया तो नाकामियों के नक्शों में भी अल्लाह ने उनको कामयाब किया। कामयाबी की कोई सूरत बनती नहीं थी, हर तरफ नाकामी ही नाकामी थी, मगर अल्लाह पे एतमाद। उनके ज़बान से अल्फाज भी कैसे निकलते थे कि हमारा रब हमारी रहनुमाई करेगा, और रब से दुआ मांगते, रब्बना हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा, अल्लाह तो हमारे लिए कोई हिदायत की सूरत पैदा कर दे। तो ज़बान से भी अच्छे जुमले निकाल रहे थे कि भई अल्लाह मदद करेगा, और अमली तौर पर भी कुर्बानी दे रहे थे। तो कैसे नाकामियों के असबाब में अल्लाह ने उनको कामयाब करके दिखाया एक मोजज़ाती तौर पर। अब अल्लाह वाकया बयान कर रहे हैं उन मुतकब्बिर लोगों का कि कामयाबी के तमाम असबाब के होते हुए भी तकब्बुर की वजह से अल्लाह ने उनको बर्बाद किया है। और इसका बुनियादी मकसद मुशरिकीन मक्का को समझाना भी है कि जो बड़ा नाज करते थे अपने बड़े होने पर, सरदार होने पर, और नबी को हुक्म देते थे कि गरीबों को अपनी महफिल से निकालिए, तो अल्लाह बता रहे हैं कि तुमसे पहले भी बहुत लोगों को हमने असबाब और वसाइल और दौलत दी है और उन्होंने तकब्बुर किया तो कैसा उनका अंजाम हुआ। तो तुम भी किब्र से बचो, तकब्बुर से बचो, अल्लाह की तरफ निस्बत करो। तो पहले भी मुल्हिद लोग गुजरे हैं जो खुदा के मुनकिर थे, आखिरत के मुनकिर थे, दौलत पे और कामयाबी के नक्शों को देख कर वो धोखे में पड़ गए और समझने लगे जैसे हम यहाँ कामयाब हैं तो हमेशा हम कामयाब ही रहेंगे। इसके लिए अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप एक मिसाल बयान कीजिए। वज़रिब लहुम मसलर रजुलैनी, आप इनके लिए एक मिसाल बयान कीजिए दो आदमियों की। दो दोस्त थे या दो गपशप लगाने वाले थे, तो उनमें से एक को अल्लाह ने बहुत माल और असबाब दिए, दूसरा गरीब था। तो जो दौलतमंद था वो गरीब पर अपनी फौकियत किस तरह से बयान करता था, उस पर कैसे अपने भरम में लेने की कोशिश करता था उसको, और कैसे रोप डालता था उसके ऊपर। अल्लाह फरमाते हैं जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनी, हमने दोनों में से एक के लिए दो बाग बनाए। अब देखो अल्लाह ताला ने कैसा निज़ाम रखा है, दो बाग थे तो अल्लाह एक मुसावात का निज़ाम चलाता, एक को एक बाग दे देता, दूसरे को दूसरा बाग दे देता। लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत है कि किसी को बहुत दौलत दे देते हैं, किसी को बिल्कुल गरीब बना देते हैं। अब एक ही को दो बाग दे दिए, दूसरे के पास कुछ भी नहीं है। जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनी मिन अनाब, अंगूरों के बाग थे, वहफफनाहुमा बिनखलैन, और बाग भी ऐसे खूबसूरत कि हमने खजूरों के दरख्तों से उनको ढांका हुआ था, और वजअलना बैनहुमा ज़रअ, और उन दोनों बागों के बीच में भी खेती थी उसकी, जो उसकी पैदावार में और तजारत में इजाफे का जरिया बनती थी। किल्तल जन्नतैनी आतत उकुलहा, दोनों बाग अपना उकुल यानी अपना फल दिया करते थे, वलम तज़लिम मिन्हु शैआ, और उसमें ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं किया करते थे, भरपूर तरीके से अपनी पैदावार दिया करते थे, जैसे बाग बरकत वाले बाग होते हैं। वफज्जरना खिलालहुमा नहरा, और उन बागों के बीच में हमने पानी का इंतज़ाम भी किया था, नहर थी, ताकि बाग के मालिक को सैराब करने में कोई दुश्वारी ना हो। वकान लहू समर, और उस शख्स के लिए उसके अलावा भी समर था, यानी इन बागों के अलावा भी उसकी सोर्स ऑफ इनकम थी, पैसा था उसके पास। फ़क़ाल लिसाहिबिही, अब जाहिर है जब बाग भी फल दे रहा है और अलग से तिजारतें भी चल रही हैं और दोस्त गरीब मिले हुए हैं, तो जाहिर है फिर दोस्तों पर इंसान अपनी धाक जमाता है, रोब जमाता है, उन पर अपनी फजीलत और फौकियत शो करता है। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ, ये तकब्बुर में आ गया। फ़क़ाल लिसाहिबिही, अपने साथ चलने वाले या बैठने वाले के साथ किससे कहने लगा, वहुवा युहाविरुहू, और वो उससे गपशप कर रहा था, बातचीत कर रहा था, बातें इधर उधर की हो रही थी, तो बीच में शो मारना शुरू कर दी। अना अक्सरु मिनका मालन, मेरे पास पैसे भी ज़्यादा हैं। जैसे होता है ना, शोबाजी में आते हैं लोग इधर उधर की बातें करते हुए, क्या कहते हैं, भाई हमारा बड़ा बैंक बैलेंस है। वअज़्ज़ु नफ़रा, और नफ़र अफरादी क़ुव्वत भी मेरी तुझसे ज़्यादा है, मेरे मुलाज़मीन देखो, मेरी औलाद देखो। पहले ज़माने में लोग औलाद की कसरत पे हमेशा फ़ख्र करते थे, बच्चे ज़्यादा होते थे और शो मारते थे, तो चूँकि औलाद की कसरत को वो नेमत समझते थे। आज चूँकि फितरत से बागी हो रही है इंसानियत,
فطرت سے بغاوت ہے کہ خاندانی نظام میاں بیوی کے سیٹ اپ کو چھوڑ کر گرل فرینڈ جو گدھے گھوڑوں کا کام ہے وہ کام شروع کر دیا اور اس سے زیادہ فطرت کے باغی بنے ہیں تو ہومو سیکچولیٹی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو مرد مرد سے اور عورت عورت سے. اور تو یہ جو نسل روکنا ہے نا کہ بچے کم ہوں تو یہ بھی فطرت سے بغاوت ہے کہ جو چیز آپ کے لیے نعمت تھی بڑھاپے کا سہارا تھی اسی کو عذاب سمجھنا شروع کر دیا. یہ بولی میں یشا و اناسا, قرآن کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں, گفٹ کا لفظ استعمال کرتا ہے, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں بیٹے گفٹ دیتا ہوں, تو جو گفٹ تھا اس کو پینلٹی سمجھنا شروع کر دیا. یہ سب انسان کے نا بے عقل ہونے کی دلیل ہے کہ سائنسی ترقی تو بہت کر رہا ہے مگر فطرت سے باغی بنتا چلا جا رہا ہے. تو وہ فخر کر رہا ہے کہ میرے پاس افراد بھی زیادہ ہیں اولاد بھی, بظاہر سے اولاد ہی مراد ہے کیونکہ آگے جو اس کے دوست نے جواب دیا نا تو اس کی اولاد کم تھی, تبھی اس نے کہا کہ میری اولاد کم ہے تو اس پہ تو فخر نہ کر کہ تیری اولاد زیادہ ہے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ, اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, قرآن کہہ رہا ہے اپنی جان پہ ظلم کر رہا تھا وہ, یعنی اسے پتہ نہیں تھا کہ میں جو الفاظ آگے بولوں گا یہ میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں. وہ کیسے اس نے جان پہ ظلم کیا؟ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا, اپنے دوست سے کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ہلاک ہوگا, یعنی اسباب پہ نظر کر رہا ہے جیسے کہ ملحد لوگ کرتے ہیں, ایتھیس لوگ کرتے ہیں, مذہب کے منکر اور جو نام نہاد لبرل ہیں وہ کرتے ہیں, وہ اسباب کو دیکھتے ہیں. دیکھیں اصحاب کہف کے بعد یہ واقعہ کتنی زبردست ربط ہے نا آپس میں. اصحاب کہف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سبب نہیں ہے لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں ہماری رہنمائی کرے گا, ہمیں اچھا ٹھکانہ دے گا. وہ امید کی باتیں کر رہے ہیں جبکہ اسباب بالکل بھی نہیں ہیں. تو اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ اسباب پہ اعتماد کر کے بیٹھ گئے ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اتنا اچھا باغ ہے اور نہر بھی ہے اور پانی کا بھی انتظام ہے تو کیوں تباہ ہوگا بھائی باغ. یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کیا ہوتا ہے, مقصد اللہ کی نفی تھی کہ کوئی خدا نہیں ہے, ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, سب کچھ ہے, بارشیں برس رہی ہیں, نہریں چل رہی ہیں اور بہترین میرا بزنس ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیونکہ اس زمانے میں بھی علماء جو نیک لوگ تھے ڈراتے تھے نا مالداروں کو کہ بھائی اللہ کی اطاعت کرو, شرک مت کرو. تو اس نے بھی وہی کام کیا کہ علماء کا مذاق اڑانا شروع کیا یا پیغمبروں کی تعلیمات کا جو اس زمانے میں تعلیمات تھیں ان کا مذاق اڑانا شروع کیا. یہ واقعہ کب ہوا کہاں ہوا یقینی طور پر ہمیں اس کا کسی تاریخی کتاب سے یقینی ثبوت نہیں ملتا, البتہ کچھ آثار ملتے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنے سفر نامے میں ذکر کیا لیکن انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ یقینی نہیں ہے یہ. تو جب یقینی نہیں ہے تو ہم کیوں اس میں رائے پیش کریں؟ بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے پچھلی امتوں میں یہ واقعہ ہوا ہے, اس سے زیادہ ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. تو قال ما اظن ان تبید هذه ابدا, اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا یہ کبھی ختم ہوگا, لہذا میں کوئی ڈرنے کی گھبرانے کی اللہ کے شکر ادا کرنے کی گناہوں کو چھوڑنے کی یہ مذہبی اسکالرس کی باتیں, ان بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وما اظن الساعة قائمة, رہا یہ مسئلہ کہ جو اہل اللہ ہیں علماء ہیں وہ تو کہتے ہیں قیامت قائم ہوگی, دنیا میں عذاب نہیں بھی آیا تو قیامت کے دن تو آئے گا, تو قیامت جب آئے گی تو اس وقت کے لیے تیاری کر لو, اللہ سے تعلق بحال کر لو. تو کہنے لگا کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آخرت قائم ہوگی. وَلَا اِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي, اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف چلا بھی گیا, اللہ نے مردوں کو دوبارہ زندہ کیا حساب و کتاب کے لیے کھڑا کر بھی لیا تو یہ مولوی لوگ جہنم میں جائیں گے, مجھے وہاں بھی جنت ملے گی. جیسے کہ آج کہہ رہے ہوتے ہیں نا جو علماء سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں کہ آخرت بھی انگریزوں کے لیے, کیونکہ وہ ایک نمبر ہوتے ہیں, وہ دیندار ہوتے ہیں, انہوں نے دنیا میں اتنی ترقی کی تو آخرت بھی انہی کے لیے اگر ہوئی, مسلمان آخرت میں بھی جہنم میں جائیں گے, ان کی حرکتیں دیکھو. اس طرح بھی بعض لبرل لوگوں کی سوچ ہے کہ بالفرض اگر آخرت قائم ہوئی تو ہم وہاں بھی پٹیں گے. تو ایسا نہیں ہے بھائی, آپ اللہ پہ ایمان لانے والوں کو اور نہ لانے والوں کو ایک جیسا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اس کا بھی یہی خیال تھا, یہ اس زمانے کا ملحد تھا, ایتھیس تھا. تو کہنے لگا اگر بالفرض میں اپنے رب کے پاس گیا بھی, لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا, تو اس سے بہتر باغ میں وہاں پاؤں گا منقلبہ لوٹنے کے اعتبار سے. مطلب یہ کہ میری قابلیت اور اتنا کچھ میں نے اسٹرگل کی ایمانداری کے ساتھ محنت کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں تو اس کا مطلب میں ایک اچھا انسان ہوں. تو اگر بالفرض قیامت قائم ہو بھی گئی تو جیسے مجھے یہاں بہت کچھ ملا ہے میری محنت کی وجہ سے تو وہاں بھی لازمی ملے گا مجھے, تو اس لیے اس کے لیے مجھے نماز روزے کی اور توحید کی اور ان سب بکھیڑے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کا جو دوست تھا غریب تھا وہ مسلمان تھا, اس نے کیا کہا؟ قال له صاحبه, اس کے دوست نے اس سے کہا, وهو يحاوره, وہ بھی گپ شپ کر رہا تھا, کیا کہا؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب,
तो ऐसी जात का इंकार करता है जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया? क्या मतलब? जबान से तो कह रहा है कि मेरा खुदा है, लेकिन तेरे अमल से लग रहा है कि तू खुदा को नहीं मानता। जो खुदा को मानता है वो सबसे पहले डरता है। वो ये नहीं कहता कि ये बाग हमेशा रहेगा, वो कहता है कि भाई अल्लाह ने चाहा तो रहेगा, नहीं चाहा तो ये दो मिनट में ख़त्म कर दे इसको। तो असल ताकत और कुदरत तो अल्लाह की है, तो तू उस खुदा का इनकार कर रहा है जिसकी ये ताकत है कि उसने तुम्हें मिट्टी से बनाया, फिर पानी के कतरे से बनाया। तो जो पानी के कतरे से इंसान बना सकता है, इतना पावरफुल, इतना ताकतवर, वो चाहे तो तेरे बाग को दो मिनट में ख़त्म कर सकता है। तो तू ऐसे बेफिक्र होकर कैसे बैठ गया है? जैसे कि आज मुल्हिद और एथियस लोग बैठ जाते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, यानी ये अल्लाह क्या होता है भाई, सब कुछ असबाब से है। तो तू भी असबाब को देखकर धोखे में आ रहा है, तो तुझे क्या हो गया? अकफरत बिल्लदी खलकक मिन तुराब थुम्मा मिन नुतफा थुम्मा सव्वाका रजुला, फिर तू उसने तुझे मर्द बना दिया, इंसान बना के माँ के पेट से बाहर निकाल लिया, जिसकी ये ताकत और कुदरत है, और तू कह रहा क़यामत भी कायम नहीं होगी। तो ये भी तू खुदा का मुनकिर है, क्योंकि तू खुदा की ताकत का इनकार कर रहा है। इसलिए कि जो ये कहता है ना क़यामत कायम नहीं होगी, वो इसलिए ये कहता है कि उसके जहन में ही होता है ये मुर्दे दोबारा जिंदा कैसे हो जाएंगे। इसका मतलब आप खुदा के मुनकिर हो, आप खुदा की ताकत का इनकार कर रहे हो। तो ये तमाम बातें खुदा का इनकार हैं। उन सब की एक ही दलील है कि जिसने मिट्टी से पानी का कतरा बना दिया और पानी के कतरे से पूरा इंसान बना के माँ के पेट से बाहर ले आया और फिर माँ की छातियों में दूध पैदा कर दिया, अब उसको अपनी ताकत और कुदरत के लिए मज़ीद किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी, तू तो ये बातें कर रहा है कि ये बाग कभी फना नहीं हो सकता और क़यामत कायम नहीं होगी, लेकिन मेरा यह कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह है मेरा रब, वला उशरिकु बि रब्बी अहदा, मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करता। अकीदा तौहीद का कायल हूँ मैं कि सब ताकतें उसी के पास हैं। तो तुझे होना ये चाहिए था कि तू जब बाग में दाखिल होता तो तू ये कहता। ये ऐसे जैसे दोस्त गोया बज़माने हाल कह रहे हैं कि भाई तू खुदा की तारीफ़ें करके कहना क्या चाहता है? तू जो कह रहा है अल्लाह मेरा रब है और मैं गोया कुफ्र कर रहा हूँ, तो तू सही तरह बता तू कहना क्या चाहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए अगले जुमले में उसने ये कहा, वलाउला इदखलत जन्नता का, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ, कुलता माशा अल्लाह, तू कहता भाई जो अल्लाह चाहता है वो होता है। तो अल्लाह ने चाहा, मुझे इतना अच्छा बाग दे दिया, अल्लाह चाहे तो ये छीन भी सकता है। तो ये अल्लाह की ताकत है, ये मेरा कमाल नहीं है। ला कुव्वत इल्ला बिल्ला, कोई कुव्वत नहीं है मगर अल्लाह की ताकत के साथ। अल्लाह की ताकत होगी तो फिर इन कुव्वतों का हमें फ़ायदा होगा। इन तरानी अना अकल मिन का माल हुआ वलदा, अगर तेरा ख्याल ये है कि मैं माल और औलाद में तुझसे कम हूँ, तो बजाय धौंस जमाने के तू अल्लाह का शुक्र अदा करता, भाई अल्लाह का दिया है, यूँ कहता। फासा रब्बी, मैं तो उम्मीद की बात करता हूँ, उम्मीद है मेरा रब अन युती यानी खैरम मिन जन्नति का, हो सकता है वो कल तकदीर का पासा पलटे और तेरे बाग से भी बेहतर बाग मुझे दे दे। वयुरसिल अलैहा हुस्बान मिन अस्समा, और तू जो इस तरह की तकब्बुर वाली बातें कर रहा है तो ऐन मुमकिन है तेरे बाग पे कोई आसमानी आफत भेजे। फतुस्बिहा सईदन ज़लक, और वो चटियल मैदान बन जाए। देखें नाकामी के नक्शों में बात कैसी कर रहा है, उम्मीदें वाली, कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, आज किसी गरीब को ताना दें तो वो फूट फूट के रोना शुरू कर देगा। लेकिन अल्लाह बता रहा है गरीब को भी कि भाई बात तसल्ली की करो, भाई अल्लाह ने दी है ना मुझे गुरबत, तो अल्लाह चाहे तो दो मिनट में मुझे दौलत दे सकता है। तो वो गरीब भी चूंकि मुसलमान था, अहले ईमान था, उम्मीद की बातें कर रहा है और डिप्रेशन को ख़त्म कर रहा है, स्ट्रेस को ख़त्म कर रहा है। तो फौरन क्या कहने लगा, भाई अल्लाह ताला चाहे तो दो मिनट में मुझे इससे अच्छा बाग दे दे, और तू जो तकब्बुर कर रहा है तेरे बाग को दो मिनट में हलाक कर दे, ख़त्म कर दे। आओ युसबिहा माउहा गौरन, और ये जो नहरों पर तू तकब्बुर कर रहा है, तेरा पानी ज़मीन में धंसा दे और तू उस पानी को तलब करने की ताकत ही ना रखे। वह वही तभी था मरी ही, उसने तो ऐसी एक बात कह दी थी, अल्लाह कहते हैं हमने ऐसा ही किया और उसके बाग को हलाकत ने घेर लिया। फ़ास बहा युकल्लिबु कफ़ैही अला मा अन्फ़क़ा फ़ीहा, जो कुछ बाग में उसने इन्वेस्ट किया था उस पर कफ़े अफसोस मलने लगा। और कह वही ख़ावियतुन अला उरूशिहा, कोई रात में आसमानी आफत आई है, सुबह उठा तो सारा बाग उल्टा पड़ा हुआ था। व यक़ूलु या लैतनी, और कहने लगा हाय काश, लम उशरिक बि रब्बी अहदा, मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करता। क्या मतलब, खालिस तौहीद का कायल होता। खालिस तौहीद यही है कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ मुफोकस की जाए। वलम तकुल्लहु फियातुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं उसकी कोई ऐसी जमात ना बनी जो उसकी अल्लाह के अजाब से मदद कर लेती। तो बड़ा नास था ना कि मेरे औलाद भी ज़्यादा और मेरे पास अफरादी कुव्वत भी ज़्यादा। वमा काना मुंतसिरा, और ना वो ख़ुद अपनी मदद कर सका। तो ये अल्लाह ने वाक़या बयान किया बताने के लिए कि अपनी दौलत पे, अपने माल पे कभी इतराओ मत। वही बात है जो कुरान में सूरह मारिज में है ना, इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, इंसान जल्दबाज है। इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ,
जब मुसीबत पहुंचती है तो बेचैन हो जाता है, बेसबरा बन जाता है, और जब खुशी पहुंचती है तो इतराने लगता है। इल्लल मुसल्लीन, सिवाय वो लोग, उन लोगों के जो मज़हब को फॉलो करते हैं, जो नमाज़ पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, मुआहदों की पाबंदियाँ करते हैं, वो क्या होते हैं कि वो ऐसे नहीं होते। उन्हें जब खुशियाँ पहुँचती हैं इतराते नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाते हैं कि हमारे रब ने एहसान किया। और जब कोई गम पहुँचता है तो सब्र करते हैं, उम्मीद की बातें करते हैं। जो अल्लाह मुसीबत पहुँचा सकता है वो मुसीबत दूर भी कर सकता है। तो कितना बेहतरीन सबक हमें इन आयात में मिला है। और इसमें मुल्हिद और एथियस लोग जो अपनी तरक्की पर गैर मुस्लिमों की साइंसी तरक्कियों पे नाज करते हैं, उनके लिए भी इबरत का सामान है कि आज ये तरक्की है, कल ये तबाह बर्बाद भी हो सकती है। हम तो एक बात जानते हैं, जिस खुदा ने पानी से इंसान को बनाया ये ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता, ये खुदा का काम है। और ऐसे सॉफ्टवेयर माँ के पेट में इंस्टॉल कर दिए और उस पानी के ख़तरे में इंस्टॉल कर दिए कि थोड़े दिनों में वो नाक कान आँख दिल दिमाग जिगर बन के माँ के पेट से बाहर आए और फिर छातियों में फ़ौरन दूध पैदा हो जाए। जो खुदा ये कर सकता है, तो सबसे अहम हमारी नज़र में अहम ये बात है कि उस खुदा से ताल्लुक़ अच्छा किया जाए, उस खुदा को राज़ी किया जाए। फिर अगर दुनिया में नाकामी भी है तो ये नाकामी वक्ती नाकामी है, ये हकीकी नाकामी नहीं है। और उस खुदा को नाराज़ करके अगर आपने दुनिया हासिल की है तो इस ज़ेबो ज़ीनत से क़तअन मुतासिर होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुरान बार बार कहता है अल्लाह का इनकार करने वालों का ज़मीन में चलना फिरना और लाइफ को इंजॉय करना, इससे हरगिज़ धोखे में मत आओ। तो ये हमें इससे बहुत अहम सबक मिलता है। और दोनों वाक़ियात जो अल्लाह ने एक साथ बयान कर दिए ना, अस्हाबे कहफ का भी और ये अस्हाबे बाग का भी, तो इससे हमें, इससे डिप्रेशन भी ख़त्म होती है इंसान की। क्या आप नाकामी नज़र आ रही है हर तरफ, तो भाई अल्लाह तो है ना, अल्लाह सब कुछ कर सकता है। तो जो अल्लाह ताला ने हमें डिप्रेशन और स्ट्रेस दूर करने के तरीके बयान किए ना, वो आज किसी माहिर नफ्सियात के पास नहीं। हुनालिकल वलायतुलिल्लाहिल हक, मेरा ख्याल लफ्जी तर्जुमे में मैंने शायद ये वाली आयत छोड़ दी थी, तो खैर अब कम्प्लीट कर लेता हूँ। हुनालिका का मतलब होता है यहाँ, यानी इस मौके पर। अलवलाया, वलाया मदद को कहते हैं, लिल्लाहिल हक, उस अल्लाह के लिए जो बरहक है। यानी ऐसे मौके पे जब इस तरह की कोई कुदरती आफत आए तो मदद उस अल्लाह ही के लिए है जो बरहक है, वही मदद कर सकता है अगर करना चाहे तो। हुवा खैरुन सवाबन, वो अल्लाह बेहतर है बदले के एतबार से भी। हुवा खैरुन उकबा, और बेहतर है अंजाम के एतबार से भी। यानी उस अल्लाह का बदला और जो रिज़ल्ट है अल्लाह से दोस्ती का, वो बहरहाल बेहतर है। जो अल्लाह अंजाम भी अच्छा करेगा और सवाब भी, बदला भी दुनिया के लिहाज से बहुत अच्छा देता है। तो क्या मतलब कि ये जो बाग हलाक हो गया उस शख्स का, तो ऐसे मौके पे मदद भी अल्लाह कर सकता है। और अल्लाह को राज़ी करोगे तो अंजाम भी अच्छा होगा और सवाब भी अच्छा मिलेगा। तो चूंकि इस शख्स ने अल्लाह को राज़ी नहीं किया, तो अब अंजाम भी अच्छा नहीं है और हाल भी अच्छा नहीं है। अल्लाह ने कैसे बाग को तबाह बर्बाद कर दिया। ये हमारा रुकू अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीट हो गया। इस रुकू में जो हमें असबाक मिलते हैं, एक तो यही सबक मिलता है कि तकब्बुर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो एथियस लोग धोखे में आते हैं ना, इस ज़मीन को देखकर, हालात को देखकर कि कब्रों से मुर्दा कैसे जिंदा होंगे, हकीकत में एक बहुत बड़ी भूल इनसे हो रही होती है। अकफ़र तबिल्लदी खलाका का मिन तुराब, जब भी कोई एथियस ऐसी बातें किया करें ना, मुल्हिद लोग, कि ये सब मजहबी बातें गलत हैं, कोई जो है कोई फरिश्ते नहीं है, कोई पैगम्बर नहीं है, कोई दोबारा मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है, तो फ़ौरन ये कहा करें, अकफ़र तबिल्लदी खलाका का मिन तुराब, कि जिस खुदा ने आपको मिट्टी से बनाया, फिर पानी के कतरे से बना दिया, फिर इंसान बना के माँ के पेट से बाहर निकाल लिया, कितनी बड़ी कुदरत है। ये अमल तो चूंकि हम सुबह शाम देख रहे हैं ना, इसलिए हमारे लिए ये, हम इसके यूज़ टू हो चुके हैं और ये हमें अचंभे की चीज़ नहीं लगती। वरना इसी को सारी ज़िंदगी इंसान गौर करता रहे ना, तो अकल में ना है ये बात। ये खुदा का काम है ये। तो ऐसे इसके बाद भी ये कहना कि मुर्दे दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकता वो खुदा, और हिसाब व किताब नहीं ले सकता, ये खुदा का इंकार है। यह आयत बहुत मोटिवेट करती है इंसान को। अकफ़रत बिल्लज़ी खलक़का मिन तुराब थुम्म मिन नुत्फ़ा। बाकी इस रुकू से ये जो हमें पता चलता है कि उस शख्स ने, जब उसका बाग तबाह बर्बाद हो गया, तो काफ़ी अफसोस मलने लगा और कहने लगा कि काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करता। तो क्या इससे हम ये समझें कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया, अकीदे तौहीद को मान लिया, या हम ये समझें कि नहीं, वो कुफर पर ही मरा? तो हमें कुरान और सुन्नत में इस बारे में कुछ नहीं मिलता। अलबत्ता किसी के सिर्फ ये अल्फाज कि उसको ये अफसोस हुआ कि मैंने ऐसे अल्फाज क्यों कहे,
یہ توبہ کی علامت نہیں ہوتی، اس لیے کہ بعض دفعہ برے عمل پہ انسان کو ندامت تو ہوتی ہے مگر وہ توبہ نہیں کرتا، تو جبکہ گناہ کی معافی کے لیے باقاعدہ توبہ کرنا ضروری ہے۔ یعنی انسان توبہ کرے کہ میں اب آئندہ سے عقیدہ توحید کا قائل ہوں گا، اور آئندہ سے میں یہ سمجھوں گا کہ جو مجھے مال اور اسباب ملے وہ اللہ نے دیے ہیں، اور پھر اپنے عمل کو درست کر لے وہ۔ تو جب تک یہ چیز نہیں ہوتی اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوتی انسان کی، کیونکہ بعض دفعہ کافر، قرآن تو کہہ رہا نا وجاہدوا بها واستيقنتها انفسهم، فرعون کو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں لیکن اسلام میں داخل نہیں ہوا پراپر طریقے سے۔ تو کسی غیر مسلم کا اپنے آپ کو غلط سمجھنا یہ کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ہندو یہ سمجھتا ہے کہ بت پرستی غلط ہے تو اس سے وہ مسلمان نہیں ہو جائے گا، مشرک ہی کہلائے گا، جب تک کہ عملی طور پر اس بت پرستی کو چھوڑ نہیں دیتا، اعلان برات نہیں کر دیتا وہ۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اب ہمیں نہیں پتا اس نے توبہ کی یا نہیں کی، کر لی تو اللہ معاف کر دے گا اس کو آخرت میں، اور چاہیں گے تو اللہ دوبارہ دنیا میں بھی باغ دے سکتے ہیں، چاہیں تو نہیں دیں، وہ پھر اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن ہمیں یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمانے کے کافر لوگوں کو بھی بہرحال احساس ہو جایا کرتا تھا، جب باغ تباہ ہو گیا نا تو اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا۔ لیکن آج لوگوں کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ آسمانی آفتیں اور عذاب دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی، اور اپنی غلطیوں پر ندامت کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے، اس سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے۔